आपका नाम है, मोदी जी ने आपको कटप्पा बोला था, बाहुबली कौन आज है आपके सामने? पहले तो मैं आपका प्रणाम करता हूं और दूसरी बात आपको अपना परिचय बता दूं। मैं महेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवली कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो आप प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न का उत्तर बाहुबली माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। कैसे बाहुबली ओम प्रकाश राजभर इस नाते हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक उन्होंने बयान दिया है कि माफियाओं का माफिया मैं हूँ। ये तो बहुत बड़ा आपने आरोप लगा दिया, कहा जाता है कि हम आरोप रिश्तेदार भी हैं। हम न तो उनके रिश्तेदार हैं और न तो उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी क्या बात आन पड़ी कि आज आप ओम प्रकाश से बगावत कर गए और बगावत का आपने बिगुल बजा दिया, टोपी तक आपने उतार दिया, क्या इसके पीछे क्या कारण? 18.5 वर्षों से ओम प्रकाश राजभर के साथ, जब से इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया तब से लेकर के आज तक उनके साथ कदम से कदम मिला करके 18.5 वर्ष तक मैं चला हूँ। और 18.5 वर्ष के दौरान जब गांव इलाके क्षेत्र में हम जाते हैं, आज भी मैं जाता हूं, तो लोगों को अपने आप को उपेक्षा महसूस होती है। जो इनका 17 से लेकर के 22 तक किसी ना किसी दल से गठबंधन करके और गठबंधन के बाद जब चुनाव हो जाता है तो उस पार्टी को उल जलूल बोल करके छोड़ दिया करते हैं। इस नाते हम समाज के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब ये गोलियां करके समाज को बेच रहे हैं, इस नाते अब इनकी लड़ाई के साथ हम लोगों को नहीं रहना है। इस नाते उनके लड़ाई से क्षुब्ध हो करके आज हम लोग पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोगों ने आप लोगों ने आज इस्तीफा दिया? 30, आज के डेट में 30 लोगों की संख्या है। क्या असर पड़ेगा आपके सामूहिक इस्तीफा देने से कार्यकर्ताओं में, आएगा कि आपके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो आपके साथ आ जाएंगे? अगली बैठक जब तय करूंगा तो सम्मान के साथ अगली बैठक में आपको बुलाऊंगा। लगभग 50% कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अगली बैठक में आपके साथ मिलेंगे। वाई श्रेणी की सुरक्षा से आप लोगों को क्या नुकसान है? आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सुरक्षा दी जा रही है, इसमें आप लोगों को जलन क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, हम लोगों को जलन नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि उनके वाई प्लस के सुरक्षा से हम लोगों को कोई तकलीफ है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। वो अपना वाई प्लस सुरक्षा ले लें या उससे बड़ी सुरक्षा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समाज की सही दिशा में लड़ाई है उस लड़ाई से विचलित हो गए हैं, इसके वजह से हम लोग इनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या विचलित हुए हैं? ये तो अब जा रहे हैं बिहार तक पहुंचने की तैयारी में, शायद नीतीश को ललकार दें 25 तारीख को, और अब 25 तारीख का आपका संगठन का स्थापना दिवस से पहले ही है बगावत, कहाँ क्या संदेश दे रही है? देखिए, अब यूपी में कोई चुनाव नहीं है जी, 24 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, 24 के पहले बिहार या 24 में बिहार के चुनाव को लेकर के वहाँ कैसे हमको पैसा मिलेगा, इस बात को लेकर के अब बिहार के तरफ सावधान यात्रा उन्होंने निकाला। आप आरोप लगा रहे हैं पैसा? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पैसा देते थे क्या ये? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव में, पूर्व में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, पूर्व के चुनाव में एक भी कार्यकर्ता, अगर इन्होंने पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता एक भी इन्होंने लड़ाया हो तो इससे आप कयास लगा सकते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने जो पैसा लेने का आपने आरोप लगा दिया, उन्होंने जो किया है उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने जो किया है पूर्व में उसी बात पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मतलब पैसा खूब चला है? अच्छा, ये बताइए, यही जहाँ आप खड़े हैं मऊ सदर विधानसभा में, कई दिन के कार्यकर्ता आवास अंसारी हैं पार्टी के, कई दिन के कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता मऊ के धरती पर, हजारों कार्यकर्ता मऊ पूरे जनपद में हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। कई दिन के कार्यकर्ता हैं, बगल में बलिया में रसड़ा की सीट है, कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ा? उसके बगल में बिलथरा रोड विधानसभा, बलिया जिला की विधानसभा है, कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ा? यहीं बगल में
जखनिया विधानसभा है वहाँ से अपने विधायक थे, हमारे पार्टी के विधायक थे। अब कौन चुनाव लड़ा एक बार उनसे पूछ लीजिए। बगल में अजगरा विधानसभा की सीट है, वो भी सीट हम लोगों के खाते में था, और वहाँ कौन चुनाव लड़ा, वहाँ भी हमारा पूर्व में विधायक थे। फिर बगल में जौनपुर में जाफराबाद है, जाफराबाद में भी हमारा कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 को जब उन्होंने पार्टी बनाया तो इसी बात को घूम करके 19 वर्षों तक उन्होंने कहा कि नहीं, हम समाज की लड़ाई मरते दम तक लड़ूंगा। लेकिन पूर्व के चुनाव में, पूर्व का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, पूर्व के चुनाव में इनका ईमानदारी छन करके पर्दे पर आ गया है। अच्छा ये बताइए, ये बिहार की तरफ जा रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको गोद में, कल को आरोप लग जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल लेगा, ओम प्रकाश राजभर की छवि खराब कर देगा, ऐसा आरोप लग गया तब आप क्या करेंगे? ये तो आज के डेट में बाबा जी की तारीफ खुदे कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे मीडिया में, चैनल पर, प्रेस में, आप लोग समाचार के माध्यम से देखते होंगे, बाबा का आज के डेट में तारीफ कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से हम कुछ बन जाएं, इस बात को लेकर के आज के डेट में तारीफ करने में लगे हुए हैं। इस नाते अब लड़ाई से भटक गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। क्या रिश्ता बदल गया क्या बाबा के साथ? नहीं, सुर बदल गया है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी का सुर तो बदल गया है। क्या ये डरे डरे से नहीं ना, जो पैसा जब लिए हैं सब उसी को मामले में? अब ये उनका विषय है, इसका जवाब वो दे सकते हैं। नहीं, अब इसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो सुर में सुर मिला रहे हैं भाई, कुछ कमजोर पॉइंट भाजपा पकड़ी होगी तभी ना। अब जो भी हो भाई, आप उनके बड़े करीबी हैं, रिश्तेदार भी बताएं। नहीं, हम रिश्तेदार नहीं हैं। अच्छा, हम रिश्तेदार नहीं हैं, वो भी राजभर हैं, मैं भी राजभर हूँ। अच्छा, हाँ, अब राजभर के नाते आप कयास चाहे रिश्तेदार का लगा लीजिए, राजभर के नाते चाहे कार्यकर्ता नेता का कयास लगा लीजिए। अच्छा, 25 तारीख से पहले आपने ये बगावत का बिगुल बजा दिया है, क्या प्रभाव पड़ेगा पटना के रैली में? अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हाँ, इससे आप निश्चिंत रहें, जो भी प्रभाव हम डालेंगे अभी कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके हम बात कर लेंगे, कार्यकर्ताओं के तरफ से जो आदेश निर्देश होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे, और यह जरूर जानकारी देंगे कि हम लोग इस ताकत में हैं। मऊ को ही आपने बगावत के लिए क्यों अपनी कहा जाए कि युद्ध भूमि बना दिया सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी का, मऊ ही क्यों? उत्तर प्रदेश में एक मऊ जनपद भी है, अब मेरा गृह जनपद मऊ है, इस नाते हम सोचे कि चले गृह जनपद में अपने बुजुर्ग बाप को, बुजुर्ग माँ को, अपने नौजवान भाइयों को इस बात को बताएं मऊ के धरती से कि 27 अक्टूबर 2002 को जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई गई थी, वो समाज को हक और हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए, वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए, अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए, अब लड़ाई से ओम प्रकाश राजभर विचलित हो गए हैं, इस नाते पार्टी और पार्टी के पद से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इस नाते मऊ को स्थल हम लोग आज चुने हैं। अरे अरविंद राजभर नेता के बेटा हैं, अगर आगे करेंगे तो भी वो नेता में गिने जाएंगे, पीछे करेंगे तो भी नेता में गिने जाएंगे। अब ये उनकी मंशा है कि बेटा को हमको आगे करना है, किसी कार्यकर्ता को हमको राजनीति में एक नंबर पर नहीं आने देना है। नहीं, कार्यकर्ता की बात जब से दल बनाए हैं तब से लेकर के आज तक कार्यकर्ताओं की बात को हमेशा अनासुनी करते रहे हैं। पार्टी में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? अब इसका खुलासा अपने तमाम जिम्मेदार साथियों से बैठ करके इस बात को हम तय कर लेंगे, सबका निर्णय जान लेंगे, तो इसके बाद अगली बैठक में हम पार्टी बनाएंगे कि किसी दल में जाएंगे, अगली बैठक में इसकी जानकारी सम्मान के साथ आपको बुला करके दूंगा। वैसे एक चर्चा कर लिया जाए, सबसे अच्छी पार्टी लग कौन रही है आपको? हमारे लिए आज के डेट में हर पार्टी ठीक है, कोई पार्टी थोड़ी बुरी है। पार्टी का नेता बुरे हो सकते हैं, पार्टी बुरी नहीं हो सकती। जी जी जी,
नेतृत्व किसका अच्छा लगता है वर्तमान में? आपने अगली बैठक में, आपको बता रहा हूँ कि अगली बैठक में बुला करके करीब 250 से 300 कार्यकर्ता होंगे, सबके सामने सामूहिक इसका उत्तर आपको बता दूंगा। दो में पार्टी की जब स्थापना हुई थी सुहेल देव की, तो कहाँ पे स्थापना हुई थी? बनारस सारनाथ में। जी जी जी।